जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी जो हम लोग कल जो गाड़ी का बोल रहे थे कि दूसरा एक शेड्यूल लेंगे, उसका अभी शेड्यूल का सेकंड डे शुरू हो गया है। अभी उसमें इलेक्ट्रिकल का पैरामीटर सब चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ उसमें हॉट इंजन किया जाएगा। मैं पहले भी मेरे वीडियो में दिखाया हूँ हॉट इंजन क्या होता है। अभी देखिए ये सब पूरा टेस्टिंग हो रहा है उसके अंदर। हम भी थोड़ा फैन का आनंद लेंगे। ये आप देख सकते हैं वो टाकोमीटर है जिसमें उसका वैल्यू देखा जाएगा, उसका कितना स्पीड इंक्रीज किया जा रहा है गाड़ी में वो दिखाया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं 428 RPM में उसका इंजन रोटेट हो रहा है। ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप सब देख सकते हैं। ब्रेकिंग एडजस्टमेंट किया जा रहा है। बारह तेरह लगेगा। क्या है, डायरेक्ट करना है क्या? मतलब डायरेक्ट है क्या? आपको दिखा रहा था उसका RPM देख सकते हैं आप। ये पूरा कंपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं ये पूरा कंपार्टमेंट है जहां से पूरा इंजन को कंट्रोल किया जाता है। आप भी देखे होंगे गाड़ी, ट्रेन ड्राइवर एक ही कंपार्टमेंट से कंट्रोल करता है। यही वो कंपार्टमेंट है जहाँ से ट्रेन ड्राइवर के कंट्रोल कर सकता है गाड़ी को पूरा। यहाँ से बैठ के ट्रेन ड्राइवर, आप लोको पायलट बोल सकते हैं, यहाँ से उसको ऑपरेट करता है गाड़ी चलाना वगैरह। और बाकी जितना भी काम होता है, जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, हो गया चाहे कोई फॉल्ट हो गया, वो सब हम लोग मेंटेनेंस स्टाफ ही उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको उसमें काम करते हैं। गाड़ी का स्पीड इंक्रीज नहीं किया गया है, अभी RPM 393 में है, अभी ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है। सटडाउन कर दो ना, सटडाउन करके करो। ये जितना आप ऊपर सब देख सकते हैं व्हाइट में, जितना आप व्हाइट में देख सकते हैं, इसको आर्क रिएक्टर बोलते हैं, नहीं तो आर्कशूट हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको आर्कशूट बोला जाता है। वो आपका जो भी आर्क होता है उसको आर्क या इलेक्ट्रिकली आर्क जिसको बोला जाता है, उसको रोकने में वो काम में आता है। ये सब पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें लिखा होगा P31, ये आपको दिख रहा होगा P31 लिखा है, S31 लिखा है, P32, ये सब पावर कॉन्ट्रैक्टर्स है। इसमें से P सिंबल करता है पैरेलल पावर कॉन्ट्रैक्टर्स को, S सिंबल करता है सीरीज पावर कॉन्ट्रैक्टर्स को। इसमें सीरीज पावर कॉन्ट्रैक्टर 3 होता है, S1, S21, S31 होता है, और पैरेलल पावर कॉन्ट्रैक्टर 6 होते हैं। साथ ही साथ इधर और 2 होता है एक्स्ट्रा, 2 इधर 4 रहता है, कोई कोई गाड़ी में 2 रहता है, कोई कोई गाड़ी में 4 रहता है। ये साइड में आप लोग देख सकते हैं जिसमें CK1 CK2 लिखा हुआ है, और एक CK3 नीचे होगा, और साइड में GF कॉन्ट्रैक्टर एक होगा। ये सब क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर है, और GF होता है जनरेटिव फील्ड कॉन्ट्रैक्टर। CK1 CK2 CK3 क्रैंकिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि गाड़ी को स्टार्टिंग करने के टाइम में इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, इसको एक्साइटेशन पैनल बोला जाता है। ये जब पूरा पैनल आप देख सकते हैं 253 186 187 188 254 492 493, ये पूरा आपका एक्साइटेशन पैनल है। ये सब पुराने मॉडल के गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नया मॉडल के गाड़ी में ये सब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ
यहाँ पर आप देख सकते हैं BYBN लिखा हुआ है, ये BYBN वोल्टेज रेगुलेटिंग पैनल है। साथ ही साथ उसमें आप साइड में एक देख सकते हैं, उसको बोला जाता है कंट्रोल, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन पैनल बोला जाता है, ट्रांजिशन रेगुलेटिंग पैनल बोला जाता है। वो आपने देखा था एक तो एक्साइटेशन रेगुलेटिंग पैनल है, ये एक ट्रांजिशन रेगुलेटिंग पैनल है। ट्रांजिशन रेगुलेटिंग पैनल के द्वारा जब गाड़ी को स्पीड इंक्रीज किया जाता है तभी वो सीरीज से पैरेलल होता है, इसी के दौरान ही इसी के मदद से ही ये सब चेंजिंग किया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं मेरा एक दोस्त उसको अभी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इधर भी स्पीड इंक्रीज होता रहेगा, आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं अभी इधर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, हम लोग देखते हैं इसका टॉप रेटेड स्पीड कितना जाता है, हम लोग अभी इसको चेक करेंगे, क्योंकि इसका मिनिमम था उसका 400 RPM था, अभी हाई में कितना जाता है वो भी चेक करेंगे। शायद मेरा साउंड अभी आपको ना सुनाई दे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इधर साउंड पोल्यूशन होता है। इसका स्पीड इंक्रीज हो के 1070 तक पहुंच गया है इसका स्पीड। बैटरी का मेंटेनेंस करने के लिए इसको खोल के रखा गया है, ये बैटरी कवर है उसके अंदर उसका उसको खोल के उसको मेंटेनेंस करने के लिए उसको खोल के रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं फिर ड्यूटी चेंज कर दिया गया है, अभी रेगुलर चेकिंग में मुझे फिर से डाल दिया गया है, तब मेरा लोको इंजन के अंदर मेरा बुकिंग था, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे फिर रेगुलर चेकिंग में डाल दिया गया है क्योंकि स्टाफ के शॉर्टेज की वजह से अभी हमको रेगुलर चेकिंग फिर करना पड़ेगा। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब लोको इंजन सब खड़ा है, सब ट्रेन इंजन है, डीजल ट्रेन इंजन सब है, डीजल लोको इंजन है सब, इसको सब इसका सब फ्यूलिंग हो गया है, लेकिन अभी स्टाफ कोई नहीं है करके इसको काम में नहीं लाया जा रहा है, अभी संटिंग पर्पज़ में इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये आप सकते हैं इसका फ्यूल गेज है, ये कितना लीटर इसमें फ्यूल है वो देखा जाता है, हालांकि ये अभी काम नहीं कर रहा है, सब पुराना लोको इंजन हो गया है, बहुत दिन पुराना हो गया, इसी चलते इसको इतना मेंटेनेंस किया जा रहा है। नया इंजन होता तो इतना दिक्कत हम लोग को भी नहीं होता। ये सब देख रहे हैं पीछे पीछे और इंजन सब खड़े होते हैं।
ये जो आप लोको इंजन देख रहे हैं, अभी इसको POH के लिए अभी बाहर निकाला जाएगा, कुछ टाइम के अंदर इसको बाहर निकाला जाएगा। अब उसके लिए ही इंजन सब आया है, जो आपको मैं बाहर इंजन दिखा रहा था उसमें एक इंजन उसको टो करके, उसको कपल करके, उसको खींच के ले जाएगा। Thank you.